हाथरस हादसे के पीड़ितों का इलाज जारी है। सीएमओ डॉक्टर मनजीत सिंह ने भारत एक्सप्रेस से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। इस वक्त मौजूद है हम लोग हाथरस में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक मनजीत जी हैं। सर, क्या मामला था, कितने मरीज आपके अस्पताल में? सर, मामला तो बहुत सभा थी, क्या खास था उसके बारे में नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं जो सिकंदरा जो हमारे सीएससी है तहसील, उसके 2-3 किलोमीटर पे जो सभा थी बाबा जी की, वहां से हादसा हुआ तो वहां से रेफर आए हैं, डेड बॉडी भी आई है, तो 96 डेड बॉडी वहां पे आई, 30-35 मरीज घायल हुए थे, आए थे, तो 35 के बाद से रेफर किया गया। अभी हाथरस में कितने मरीजों का इलाज चल रहा है, चाहे वो जिला अस्पताल हो या टोटल 11 मरीजों का इलाज चल रहा है, कितने डेड बॉडी मिले हैं हाथरस जनपद में? 32। इसके अलावा जो मरीजों का इलाज चल रहा है, कल मुख्यमंत्री जी भी खुद आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके की चीजें हैं कि लापरवाही नहीं बरतना है, मुख्यमंत्री जी का साफ निर्देश है? नहीं, मुझे सब सेटल है, सारे मरीज मेरा खुद देख के है, सारे किसी दिक्कत नहीं, सबके एक्सरे करा दिए गए, सबको सुविधाएं दी जा रही, नॉर्मल है, कोई ऐसा सीरियस मरीज नहीं उसमें। तो अगर इनकी स्थिति ठीक रही तो कल इन्हें डिस्चार्ज कर दिया? हाँ, कल परसों कर देंगे, ठीक है। और ये जो 32 डेड बॉडीज आए हैं उनका पोस्टमार्टम और बाकी जो प्रक्रिया, पोस्टमार्टम हो रहा है, हर एक पोस्टमार्टम को सरकारी गाड़ी से 108 से शब्बान से उसके घर भिजवाया जा रहा है। जितने डेड बॉडीज हैं सबको पहचान कर लिया गया कि कौन है? 32 में 19 की पहचान हो चुकी, जिसकी पहचान होती जा रही उसको घर भिजवाते जा रहे हैं। ये थे हाथरस के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो मरीजों की पहचान हो जा रही है उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा जो अभी भी कुछ ऐसे मरीज हैं जो मृतक हैं, जिनका अभी तक पहचान नहीं हो पाया है कि वो कहां के रहने वाले। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ हितेश पांडे, भारत एक्सप्रेस, हाथरस।